नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि अगर आपका कोई पोस्ट ऑफिस के माध्यम से मतलब स्पीड पोस्ट के माध्यम से कोई सामान आ रहा है, जैसे कि कोई पार्सल हो गया या फिर कोई एटीएम कार्ड हो गया, कोई पैन कार्ड हो गया, तो कहां तक पहुंच चुका है, कहां तक आ चुका है, या आप कैसे पता कर सकते हैं, कैसे ट्रैक कर सकते हैं, आज के इस वीडियो में बताएँगे। अगर आप जानना चाहते हैं तो वीडियो को देखते रहिए और वीडियो में आगे बढ़ते वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इसके लिए आपके पास जो है एक कंसिगमेंट नंबर होता है जो आपके पास होना चाहिए। अगर मान लीजिए आपका कोई पार्सल आ रहा है तो जो भी जहां से पार्सल भिजवाएंगे उनको एक तरह से जो है रसीद मिलता है, रिसिप्ट मिलता है, जिसमें आपको जो है ट्रैकिंग आईडी या फिर कंसिगमेंट नंबर देखने को मिल जाएगा, उसके माध्यम से आप ट्रैक कर सकते हैं। इसके अलावा मान लीजिए अगर आपका कोई एटीएम कार्ड या फिर कोई पैन कार्ड है तो आपको जो है मोबाइल नंबर पर इसके लिए मैसेज मिल जाता है, जिसमें आपको एक तरह से कंसिगमेंट नंबर देखने को मिल जाएगा, मतलब स्पीड पोस्ट ट्रैक करने के लिए जो भी आईडी होता है। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको जो ब्राउज़र को खोल लेना है और यहाँ पर आपको सर्च करना है ट्रैक कंसिगमेंट। सर्च करने के बाद यहाँ पर ये इंडिया पोस्ट का वेबसाइट देखने को मिल जाएगा, indiapost.gov.in। यहाँ पर लिखा है ट्रैक कंसिगमेंट, इस पर हमें क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर हमें थोड़ा सा इंतज़ार करना है। अब इसके बाद यहाँ पर हमें कुछ तरीके से देखने को मिल जाएगा। अब यहाँ पर आपका जो भी एक तरह से आपको ट्रैकिंग आईडी मिला होगा या फिर जो भी कंसिगमेंट नंबर मिला होगा यहाँ पर आपको लिख देना है, और कंसिगमेंट नंबर जो होता है कुछ तरीके का होता है। अब इसके बाद यहाँ पर आपको जो है नीचे कुछ तरीके से यहाँ पर आपको दिखाई देगा। अब इसके बाद यहाँ पर लिखा है 6-1 जो भी इसका एक तरह से उत्तर होगा, आंसर होगा, यहाँ पर हमें लिख देना है। इसके बाद यहाँ पर हमें सर्च पर हमें क्लिक कर देना है। अब इसके बाद यहाँ पर हमें जो है थोड़ा सा इंतज़ार करना है। अब इसके बाद जो भी आपका सामान होगा उसके बारे में आपको यहाँ पर जानकारी देखने को मिल जाएगा, जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं लिखा है करंट स्टेटस, मतलब तरह से इसका वर्तमान स्थिति क्या है। यहाँ पर लिखा है आइटम डिलीवरी कंफर्म, मतलब तरह से जो है जो हमारा सामान है तरह से वह पोस्ट ऑफिस पर पहुँच चुका है तरह से, और तरह से जो है तरह से मतलब समझ लीजिए डिलीवरी हो चुका है। अगर आपका एक तरह से सामान जो है आपके पोस्ट ऑफिस पर नहीं पहुँचा है तो यहाँ पर जो है आपका जो भी एक तरह से स्थिति होगा यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। और यहाँ पर देख सकते हैं नीचे जो इसके बारे में कई तरह के जो है इवेंट दिखाई देंगे, मतलब तरह से आपका जो है सामान कहाँ से कहाँ पहुँचा है, इसके बाद कहाँ पहुँचा है, इसके बारे में यहाँ पर आपको जो सब कुछ जानकारी देखने को मिल जाएगा। और अगर आपका एक तरह से यहाँ पर दिखाई देता है डिपैच टू बीओ, मतलब समझ लीजिए एक तरह से आपका जो है सामान जो तरह से जो है आपके पोस्ट ऑफिस पर जो है बहुत ही जल्दी पहुँचने वाला है। तो इस तरीके से आप जो है आप चाहें तो पता कर सकते हैं कि आपका जितना सामान जो है कहाँ पर ये पहुँच चुका है। अगर आपको कुछ समस्या सुझाव है इसके लिए आप कमेंट कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत धन्यवाद। थैंक फॉर वॉचिंग, सब्सक्राइब टू माई चैनल।